चलिए अब बात करेंगे बिहार की राजनीति की। जैसे जैसे बिहार राज्य विधानसभा चुनावों की तरफ बढ़ रहा है, सूबे में सियासत के समीकरणों को हर कोई अपने राजनीतिक फायदों की ओर मोड़ने की भरसक कोशिश में लगा है। हालांकि कोई अपने सियासी समीकरणों के लिए प्रयासों को अमली जामा पहना पाए, उससे पहले सुशासन बाबू यानी कि सूबे के मुखिया नीतीश कुमार ने एक मास्टर स्ट्रोक चल दिया है। इस रिपोर्ट में देखिए, बिहार में तेजी से बदलते सियासी घटनाक्रम के बीच नीतीश कुमार अपने राजनीतिक समीकरणों को बनाने में जुटे हैं। बिहार विधानसभा के अंदर नीतीश कुमार ने ऐसे तीन बड़े फैसले लिए हैं जिनमें सूबे में एनआरसी न कराने का प्रस्ताव पास किया गया। इसके अलावा एनपीआर को 2010 के स्वरूप पर कराने का प्रस्ताव भी पास किया गया। जाति आधारित जनगणना को लेकर प्रस्ताव पास किया गया। नीतीश के इस मास्टर स्ट्रोक से उन्हें चुनाव में कितना फायदा होगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन उन्होंने अपने दांव से आरजेडी और बीजेपी को बेचैन जरूर कर दिया है। राष्ट्रीय जनता दल इन तीनों एजेंडों के सहारे बिहार में अपनी सियासी जमीन को मजबूत करने में जुटी थी, जिसे नीतीश कुमार ने अमली जामा पहनाकर अपने वोट बैंक को मजबूत ही नहीं किया बल्कि ये भी संदेश दिया कि वो ही बिहार की राजनीति का केंद्र है। इसी का नतीजा है कि नीतीश कुमार के धुर विरोधी माने जाने वाले पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के भी सुर बदल गए हैं। अब वो नीतीश कुमार को बिहार का सबसे बेहतर सीएम बता रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार विधानसभा में जातिगत जनगणना कराने का अहम प्रस्ताव पास किया। आरजेडी के साथ साथ बीजेपी ने भी प्रस्ताव का समर्थन किया। चुनावी साल में हुए इस फैसले के कई मायने भी हैं। नीतीश इस फैसले से खुद को पिछड़ों के एक भरोसेमंद नेता के रूप में स्थापित करना चाहते हैं, जो कि सिर्फ विपक्षी नहीं बीजेपी को भी चुनावी समर में अपनी ताकत का एहसास करा सके। सीएम नीतीश के बीजेपी के साथ दोबारा जाने पर आरजेडी ने उन पर पिछड़ी और दलित बिरादरी के उन वोटरों के साथ धोखाधड़ी का आरोप लगाया था जिसने महागठबंधन को वोट दिया था। तेजस्वी यादव के ओबीसी के बीच बढ़ते प्रभाव के बीच ही नीतीश को ओबीसी की इन जातियों का विश्वास पात्र बनना जरूरी लग रहा है। इसी बड़ी वजह के आधार में जातिगत जनगणना की पटकथा लिखी गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बीच मंगलवार को बंद कमरे में 20 मिनट तक मुलाकात हुई। नीतीश कुमार ने बीजेपी की परवाह किए बगैर आरजेडी की ओर से विधानसभा में लाए गए एनआरसी के खिलाफ प्रस्ताव को पास किया। आपको बता दें कि संसद में जिस तरह से जेडीयू ने सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट का समर्थन किया था, जिसे लेकर पार्टी में भी विरोध के सुर उठे थे और बिहार में एनआरसी और सीएए के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी हुए। विरोध की आवाज नीतीश के लिए परेशानी का सबब बनती। इससे पहले ही नीतीश ने अब अपना दांव चल दिया है, क्योंकि उन्हें लग रहा है अल्पसंख्यक समाज उनसे दूर जाने लगा है। इसके जरिए मुसलमानों को एक बड़ा संदेश भी दे दिया कि वो बीजेपी के साथ रहते हुए भी मुसलमानों के अधिकार की चिंता रखते हैं। हालांकि नीतीश के सहयोगी बीजेपी के कोर एजेंडे का एनआरसी हिस्सा है, ऐसे में नीतीश ने बीजेपी की बिना फिक्र किए ये फैसले लिए हैं। नीतीश कुमार ने बिहार में नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर यानी कि एनपीआर को मौजूदा स्वरूप के बजाय 2010 की तर्ज पर कराने का फैसला लिया। इसके लिए उन्होंने विधानसभा में एक प्रस्ताव भी पास किया। अप्रैल के महीने में एनपीआर की प्रक्रिया शुरू होगी। विपक्ष एनपीआर को एनआरसी का पहला चरण बता रहा है, जिसके चलते जगह जगह विरोध भी हो रहे हैं। ऐसे में नीतीश कुमार ने इसी साल के आखिर में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए बड़ा दांव चला है और एनपीआर को 2010 के स्वरूप से लागू करने का फैसला किया है। बता दें कि बिहार में इसी साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होना है। राजनीतिक स्थितियों में ये साफ है कि नीतीश कुमार इस बार भी एनडीए गठबंधन के साथ चुनावी मैदान में उतरेंगे। नीतीश ने इसे लेकर संकेत भी दिए हैं और बीजेपी ने उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ने का ऐलान भी कर दिया है। इसके बावजूद अगर अतीत पर गौर करें तो ये दिखता है कि नीतीश 2015 के चुनाव में आरजेडी के साथ महागठबंधन के नेता के रूप में ही सत्ता में आए थे, लेकिन बाद में वो बीजेपी के साथ मिलकर सत्ता पर काबिज हुए।
ऐसे में नीतीश कुमार कब कौन सा सियासी कदम उठा लें, ये कोई नहीं कह सकता। टीम राजनीति।